हाउ टू फिक्स स्क्रिप्ट क्विक क्रिटिकल एरर। सो बेसिकली हमारा न्यू अपडेट आ चुका है GT 5 में, जिसके बाद हमारा वर्जन जो है वो चेंज हो चुका है और हमारा जो वर्जन है अभी वो है 3.3.2.3, लेकिन हमारे जो स्क्रिप्ट क्विक वर्जन है वो 3.2.7.4। हम जब अपने गेम को ओपन करेंगे तो हमें एक पॉपअप देखने को मिलेगा जो कि है स्क्रिप्ट क्विक का क्रिटिकल एरर। एंड इस एरर पे हम अगर नजर डालें लास्ट वाली लाइन पे और इसको रीड करें तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो फाइल है ना गाइस वो सिर्फ और सिर्फ 3.2.7.4 पे ही वर्क करेगी, लेकिन हमारा गेम तो अपडेट हो चुका है ना। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो हमें स्क्रिप्ट क्विक के अपडेट का वेट करना पड़ेगा या फिर सेकंड ऑप्शन हमें डाउनग्रेड करना पड़ेगा। तो अगर आप डाउनग्रेड करना चाहते हो तो आप डाउनग्रेड कर सकते हो और ये वीडियो डाउनग्रेड के लिए ही है। सो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एक फाइल प्रोवाइड करवाने वाला जो कि ओनली फॉर स्टीम यूजर्स के लिए है। तो इसको एपिक रॉकस्टार और क्रैक वर्जन वाले बिल्कुल भी यूज ना करें, वरना आप अपने गेम में बहुत सारे क्रैशेस भी ला सकते हो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस फाइल को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे 6 फाइल्स मिलने वाले हैं, जिसमें आपको ऊपर की 4 फाइल को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, कॉपी करके आपको GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में पेस्ट कर देना है। एंड यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस करने के बाद आपके पास में 2 फाइल और बताएंगे, update.rpf update.rpf2। तो इन दोनों फाइल को भी सिलेक्ट करना है, अपडेट के फोल्डर में जाके आपको इन दोनों को भी कॉपी और पेस्ट कर देना है। देन आपका ये जो एरर है वो फिक्स हो जाएगा। देन उसके बाद आप अपने गेम को ओपन कर सकते हो एंड एंजॉय कर सकते हो अपने गेम को। एंड बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, अलविदा। अपना ख्याल रखना और अपनी प्यारी सी फैमिली का ख्याल रखना।